तो कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन संस्थान, या तो बोलेंगे मानव उत्सर्जन अंग, है ना। तो यहाँ अधिकतर जो नाम होता है वो इंग्लिश में यूज़ होता है, लेकिन जो छोटे क्लास के स्टूडेंट होंगे वो हिंदी में बताऊँगा। लेकिन अधिकतर हम लोग जो बायोकोलॉजी क्लास है या बीएससी लेवल के जो क्लासेस है, एमएससी लेवल के जो क्लासेस है, पूरा हम लोग इंग्लिश में ही चलते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो भाग दिख रही है, एक किडनी है ना। यहाँ से किडनी और यहाँ एक संरचना ऐसी आई हुई है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे यूरेटर, क्या बोलेंगे, यूरेटर, है ना। अच्छा, किडनी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रिक, क्या बोलेंगे, ब्रिक, है ना। और ये यूरेटर इसको बोलेंगे मूत्रवाहिनी, क्या बोलेंगे, मूत्रवाहिनी, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे एक संरचना दिखाई दे रही है, इसको देखते हैं। ये जो मूत्रवाहिनी है पूरा यही पराकर इसी में खुली हुई है। तो ये वाला भाग है उसका नाम है यूरिनरी ब्लडर, क्या नाम है, यूरिनरी ब्लडर, मतलब मूत्राशय, क्या बोलेंगे, मूत्राशय। और मूत्राशय जस्ट नीचे वाला जो भाग है ना, यहाँ दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला भाग दिख रहा है, ये यूरेथ्रा, मतलब क्या होता है, इसका नाम है मूत्रमार्ग, ठीक है। तो जो छोटे लेवल के जो क्लासेस है वो किसका यूज़ करेंगे, कौन कौन से नाम से, एक नाम यूज़ करेंगे किडनी, दूसरा नाम यूज़ करेंगे यूरेटर, तीसरा नाम यूज़ करेंगे यूरिनरी ब्लडर, और चौथा नाम यूज़ करेंगे यूरेटर, यूरेथ्रा जी, ठीक है। और ये चारों नाम में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रिक, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ठीक है। और जो बड़े क्लासेस के लिए, उसके लिए जो और है, यहाँ पर देखें तो ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसको कॉर्टेक्स भाग बोलते हैं, इसको मेड्यूला बोलते हैं, कैलिक्स भाग बोलते हैं इसको, ठीक है, रेनल पेल्विस बोलते हैं इसको, एब्डोमिनल ऑर्टा, धमनी बोलते हैं इसको, ठीक है, एब्डोमिनल धमनी बोलते हैं उसको, ठीक है। और इधर है वो सिरा है, इधर का है वो धमनी है, ठीक है, ये संरचना है ना। चलिए और संरचना देखें तो ये हिंदी संरचना, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपल सिंपल सी दी गई है, देखो ये ब्रिक सिरा, ठीक है, ब्रिक किडनी वेंस एंड ब्रिक धमनी, ब्रिक आर्टरी, ये ब्रिक है किडनी, ये मूत्रवाहिनी है जो पीला रंग का दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे यूरेटर, और ये मूत्राशय है यूरिनरी ब्लडर, एंड ये है ये मूत्रमार्ग, इसको हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा, ठीक है। तो इस तरह से इसी संरचना को हम लोग पढ़ेंगे, चलो डिटेल में चलते हैं। तो डिटेल ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल से डिटेल्स हैं, चार का ही डिटेल करेंगे। तो मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र उसको चार भागों में बांटते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से पहला आता है वृक, वृक मतलब किडनी, ठीक है। तो पहला नंबर का जो आता है उसका नाम है वृक, ठीक है, इसमें चलते हैं वृक में, ठीक है, एकदम सिंपल डिटेल है। तो प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी, मतलब कुल कितने, दो, है ना। तो प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी वृक उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, उदर किसको बोलते हैं, जो जो पेट वाला भाग है ना, उसी भाग को हम लोग नीचे तरफ को बोलते हैं उदर गुहा, क्या बोलते हैं, उदर गुहा। तो प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी वृक है उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, डायफ्राम के नीचे, जो श्वसन तंत्र पढ़े हैं ना, जो सीना वाला भाग है उसके जस्ट नीचे वाले भाग को बोलते हैं, पेट और सीना के वाले भाग, पेट और सीना के मध्य वाले भाग को बोलेंगे हम लोग डायफ्राम, क्या बोलेंगे, डायफ्राम। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी वृक उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर, जो बीच का जो हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी, उसके दोनों ओर, एक ओर और एक इधर ओर, ठीक है। तो कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक किस संख्या में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक मनुष्य में एक जोड़ी वृक है उदर गुहा के पृष्ठ भाग में, डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक किस संख्या में पाई जाती है, ये सेम के बीच के आकार का, किसके बीच के आकार, सेम का बीच जैसा रहता है ना, सेमी जी, ठीक है। तो ये सेम के बीच के आकार का गहरे लाल रंग धारण किए हुए संरचना है, संरचना होती है, ठीक है। ये सेम के बीच के आकार का गहरे लाल रंग धारण किए हुए संरचना होती है, कभी यहाँ पर गुलाबी भी लिखा जाता है लेकिन लाल लिखा, ठीक है। तो गहरे लाल रंग धारण किए हुए संरचना होती है, वयस्क मनुष्य में
वृक लगभग 10 से 11 लिख दिया है, ठीक है, 10 से 11 सेंटीमीटर तथा लंबा तथा 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होती है। वयस्क मनुष्य में ना, एक वयस्क मनुष्य में यह वृक लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा और 5 से 6 मीटर चौड़ा होता है तथा 3 सेंटीमीटर क्या होता है, लगभग मोटा होता है। लगभग लिख देना आप लोग, ठीक है, ये वृक के बारे में क्लियर हो गई। वृक के बाद आता है सेकंड, आता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी कहाँ है वो दिख रही है, ये वाला भाग, ठीक है। तो मूत्रवाहिनी के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए कि प्रत्येक वृक्ष से, ये जो वृक वाला भाग है, ठीक है, ये वृक है, वृक्ष से निकलता है, दोनों तरफ के वृक्ष से, ठीक है। तो प्रत्येक वृक्ष से एक लंबी नलिकाकार संरचना निकलती है, ठीक है, एक लंबी नलिकाकार संरचना निकलती है ना, क्या कहलाती है, मूत्रवाहिनी कहलाती है। यहाँ पर बीच में कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रत्येक वृक्ष से एक लंबी नलिकाकार संरचना निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी वृक्ष के हाइलम, जो वृक्ष है, ये वृक्ष है, वृक्ष में से क्या जा रहता है, धमनी और सिरा जा रहती है, ठीक है। तो इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे हाइलम। रुको मैं बता रहा हूँ, ये वाला भाग इसको बोलेंगे हाइलम। दोनों का ऐसे जो डंडी लिखा रहेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे हाइलम। क्या बोलेंगे, हाइलम, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक वृक्ष से एक लंबी लनिका का संरचना निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी वृक्ष के हाइलम के समीप मोटी होती है। ये जो ये वृक्ष है उसके जस्ट इस जगह है वो क्या होती है, मोटी होती है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी की श्रोणी कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है। तो लास्ट यहाँ किसको खुलती है, दोनों एक साथ किस में खुलती है, मूत्राशय में, ठीक है, किस में खुलती है, मूत्राशय में खुलती है, ठीक है। ये हो गया मूत्रवाहिनी। आगे हम लोग चलते हैं मूत्राशय के बारे में, है ना। तो मूत्राशय दिखा देते हैं, यहाँ पर ये वाला भाग है, ठीक है, मूत्रवाहिनी है, ये मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुला है ना यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला भाग मूत्राशय, क्या नाम इसका है, मूत्राशय, है ना। तो इस तरह से हम लोग तीसरा नंबर जो पॉइंट चार है उसमें क्या है, मूत्राशय में, कि प्रत्येक मनुष्य में मूत्राशय नाशपाती के आकार का होता है। अरे नाशपाती क्या है, नाशपाती क्या है मत पूछना भैया, फिर आप हाई लेवल के क्लास के लायक नहीं हो, है ना। तो प्रत्येक मनुष्य में मूत्राशय नाशपाती के आकार का होता है तथा मूत्र के जो संग्राहक का कार्य करता है, जो यूरिन उसको मूत्र बोलते हैं, मूत्र के संग्राहक का कार्य करता है। ये मूत्र मार्ग पर खुलता है, मतलब एक्चुअली में मूत्र मार्ग इसका अंतिम सिरा होता है, मूत्र मार्ग पर खुलता है बोलते हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है, ओके। और ये हो गया 3 पॉइंट। और चौथा नंबर का आपका पॉइंट चलता है मूत्र मार्ग लास्ट, ठीक है, लास्ट पॉइंट ये जो दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग मूत्र मार्ग बोलेंगे, मतलब यूरेटर बोलेंगे, सॉरी यूरेथ्रा बोलेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग, यहाँ पर मैं कुछ लिखा नहीं हूँ लेकिन आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है, कैसे होगी मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग एक नाल के रूप में होता है, ठीक है, यहाँ शुरू करिएगा। मूत्र मार्ग एक नाल, नाल मतलब ट्यूब, ठीक है। तो मूत्र मार्ग एक नाल के रूप में होता है जो कि मूत्राशय, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो मूत्र मार्ग एक, ये जो मूत्र मार्ग है वो एक नाल के रूप में होता है जो कि मूत्राशय की ग्रीवा, ये जो मूत्राशय है उसके जो लास्ट वाले भाग को बोलते हैं वो ग्रीवा। तो मूत्राशय की ग्रीवा से होकर बाह्य द्वार तक जाता है, पूरा बाह्य द्वार तक जाता है, ठीक है, समझ आया। मूत्र मार्ग एक नाल के रूप में होता है, इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं लिखा नहीं यहाँ पर, है ना। मूत्र मार्ग एक नाल के रूप में होता है जो कि मूत्राशय की ग्रीवा से होकर बाह्य द्वार तक जाता है। नर में यहाँ मूत्रद्वार शिश्नम खुलती है, नर में कहा जाए तो, और शिश्न के शीर्ष भाग खुलती है तथा मादा में यहाँ यह भाग है भग में खुलती है, वाल्वा में खुलती है, भग बोलते हैं उसको, ठीक है, व्यू वाल्वा, ठीक है, भग, और उसको पेनिस बोलते हैं शिश्न को, ठीक है। तो इस तरह ये यहाँ पर खुलती है ना, तो इस तरह से मानव उत्सर्जन अंग क्लियर हो गया है। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इस किडनी के अंदर जो पाया जाना जो नेफ्रान है। अच्छा, वृक्क की इकाई को क्या बोलते हैं, बोलेंगे तो नेफ्रान, ठीक है, ओके।